हेलो दोस्तों, पेपर हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सकें। दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए एक क्वेश्चन को, जो कि एक निबंध पर आधारित है। क्वेश्चन है, वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता विषय पर निबंध रूपरेखा सहित लिखिए। तो सबसे दोस्तों, इसका आंसर मुझे एमपी बोर्ड की सबसे फेमस वेबसाइट mpboardonline.com पर मिला है। तो आपको सबसे पहले किसी वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, उसके एड्रेस बार में टाइप करना है www.mpboardonline.com। सर्च करने के बाद आपके सामने mpboardonline.com ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको क्लास 10 पर आ जाना है। क्लास 10 के आने के बाद यहाँ पर आपको दो सेक्शन शो होंगे, हिंदी मीडियम नोट्स एंड इंग्लिश मीडियम नोट। यहाँ पर आपको हिंदी स्पेशल वाले कॉलम पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ओल्ड पेपर सॉल्यूशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपको सभी पेपर ईयर वाइज शो हो जाएंगे, जहाँ पर आपको सभी सॉल्यूशन प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पर आपको 2023 सॉल्यूशन पर आ जाना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 765 पर क्वेश्चन नंबर पर आना है। 765 वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता विषय पर निबंध रूपरेखा सहित लिखिए, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर दोस्तों आपको इस पेज पर डायरेक्ट आना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप इस पेज पर आ सकते हैं। दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन था, वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता विषय पर निबंध रूपरेखा सहित लिखिए। दोस्तों, इसका आंसर है, सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखनी होगी। प्रस्तावना में आपको लिखना होगा, कंप्यूटर विज्ञान का अनोखा उपहार है, यह मानव जीवन हेतु बहुउपयोगी है, यह प्रत्येक तरह का कार्य कर सकता है, कंप्यूटर को चलाना बेहद ही सरल है, अपनी सुगमता और कार्यक्षमता के कारण इसका प्रयोग व्यापक तौर पर होता है, जैसे ऑफिस, बैंक, होटल, शिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेज, दुकान, उद्योग आदि। कंप्यूटर का आविष्कार, जीवन में इतने उपयोगी कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बाबेज ने किया था। बाबेज ने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था, जो दुनिया का पहला कंप्यूटर माना जाता है। उसके बाद कंप्यूटर के प्रकार, तकनीकी के आधार पर कंप्यूटर चार प्रकार के होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। उसके बाद है, कंप्यूटर किस प्रकार कार्य करता है। कंप्यूटर एक मशीन है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। एक कंप्यूटर इनपुट यूनिट के माध्यम से डेटा प्राप्त करता है, जो उसे दिए गए निर्देश के आधार पर होता है, और डेटा को प्रोसेस करने के बाद इसे आउटपुट डिवाइस के माध्यम से वापस भेजता है। कंप्यूटर के लाभ, आज कंप्यूटर ने हमारे कार्य को काफ़ी आसान बना दिया है, जिससे हमारा जीवन भी आसान बन गया है। वास्तव में कंप्यूटर आधुनिक तकनीक का एक बहुत बड़ा आविष्कार है, जिसके बहुत से लाभ हैं। बैंकिंग क्षेत्र में कंप्यूटर के माध्यम से सारे कार्य आसानी से हो जाते हैं। प्रिंटिंग बुक और न्यूज़पेपर जैसे कार्यों को कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा आवश्यक और लाभकारी होता है। बड़े शहरों में यातायात के नियम भी कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। अपराधियों के रिकॉर्ड रखने में कंप्यूटर पुलिस के लिए सहायक है। दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। तो इसी तरह आप किसी और क्वेश्चन के आंसर चाहिए हो तो आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।